ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद पांच अध्याय 18 श्लोक नंबर 11। जात संगलब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृश सताम हि मानसम हरति अजह अंतह श्रुतिभिः गतः अंगजाम काह वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। जत संगलब्धं निज वीर्य वैभवं तीर्थ मुहुसंस्पृश सतां हि मानसं हरत्यजो अंत श्रुतिभिः गत अंगजम् को वै न सेवेत् मुकुन्द विक्रमम्। शब्दानुवाद। जात जिनके भक्तों के संगलब्धम संग से उपलब्ध निज वीर्य वैभवम जिसका प्रभाव असामान्य है तीर्थम तीर्थस्थल तथा गंगा नदी मुहु बारंबार संस्पृशताम उन स्पर्शों का ही निश्चय पूर्वक मानसम मान के माल हरति हर लेती है अजह अजन्मा अंतह अंतकरण में श्रुति भी कान से गतः प्रविष्ट अंगजम शरीर के मल या संदूषण कह कौन भई निसंदेह ना नहीं सेवेत सेवा करेगा मुकुंद विक्रमम भगवान मुकुंद के जसो शिकार जो की।
अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ है, भगवान के जसोसी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकता है। मुकुंद के जसोसी कार्य इतने सक्षम है कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकतापूर्वक भगवान के जसोसी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कलमश को दूर कर लेते हैं। दूसरे ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य, निसंदेह गंगा स्नान से कोई संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता से आसक्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता है, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। किंतु जो कोई भगवान के कार्यों का श्रवण करके उनसे प्रत्यक्ष संगति करता है, वह मन की मलिनता को धोकर शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 17 में सुत गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। सुनंताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो अभद्राणी विदुनति श्रोत सताम। जब कोई भगवान के कार्यों का वर्णन सुनता है तो प्रत्येक के हृदय में बास करने वाले परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे स्वयं श्रोता के मनोबल को स्वच्छ कर देते हैं। हृदयंतस्तो अभद्राणी विदुनति, वे मन के समस्त मल को धो डालते हैं। भौतिकता मन के भीतर दूषित वस्तुओं से उत्पन्न होती है। अपने मन को धो डालने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत की अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग के सभी महान संतजन श्रवण विधि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक कीर्तन का शुभारम्भ किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर सके, क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता है। चेत दर्पण मार्जनम, इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे संसार में मुख्यतया हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराने में लगा हुआ है। जब हरे कृष्ण के कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य क्रमशः कृष्ण भावनामृत स्थिति को प्राप्त होता है और श्रीमद्भागवत श्रीमद्भगवद्गीता चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ को पढ़ता है। इस प्रकार भौतिक दूषण से अधिक अधिक पवित्र होता जाता है। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, कहा गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति उष्टि नष्टि की। निरंतर श्रीमद्भागवत का श्रवण करने तथा निष्काम भक्त की सेवा से मन के सारे कष्ट दूर हो जाता है और जसोसी भगवान के प्रति सेवाभाव स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। जिनके प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है, इस प्रकार भगवान के शक्तिशाली कार्यकलाप के श्रवण मात्र से भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और चिरंतन दास के रूप में जो भगवान का भिन्नांश होता है उसकी अपने मूल स्थिति प्रकट हो जाती है। भक्तों द्वारा भक्ति में संलग्न होने पर रजोगुण तथा तमोगुण क्रमशः पराभूत हो जाता है और वह सतगुण में ही सारे कार्य करता है। उस समय वह प्रमुदित हो जाता है और वह शनै शनै वो कृष्ण भावनामृत की और अग्रसर होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों का मत है कि मनुष्य को श्री भगवान के संबंध में सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तब सफलता निश्चित है। जितना ही अधिक हम अपने हृदय के भौतिक आसक्ति के मल को स्वच्छ करेंगे,
उतना ही अधिक श्री कृष्ण के नाम रूप गुण वैशिष्ट्य और कार्यों के प्रति आकृष्ट होंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। श्रील प्रभुपाद की ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्रन् मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुशितपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सागण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतम सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादन सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातः कलना सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलरंग का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और एक बार आप लोग को जय जगन्नाथ बोल के स्वागत कीजिएगा, जो कि पाकिस्तान से भक्त लोग यहाँ पे आए हैं और वो लोग को 7 दिन तक यहाँ पे कार्यक्रम सुनते जा रहा है और सारा लीलास्थली भी, जो भी भगवान कृष्ण का लीलास्थली, वो भी दर्शन कर रहा है। साथ साथ इन लोग 1 महीना का ये टूर है, जो टूर में चारों धाम कर रहा है। आज उनका जाने का है जगन्नाथपुरी, इसलिए जय जगन्नाथ बोल के उनको स्वागत कीजिएगा, जो कि इतने दिन ही हो गया वृंदावन धाम में रह के। पाकिस्तान से जो आए थोड़ा हाथ उठा लीजिएगा। यहाँ पे अभी इतने बैठे हैं 125 भक्त आए हैं, 125 जो कि सारा देश विदेश में। और वहाँ पे भी रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है, आप लोग कभी ना कभी वीडियो देख सकते हैं। जय जगन्नाथ। और आज बहुत सभी भक्तों के लिए अच्छा दिन है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने यात्रा शुरू करके आज अमेरिका में पहुँचे हैं आज का दिन में, इसलिए अराइवल श्रील प्रभुपाद USA। प्रभुपाद यात्रा किए, पहले बता दें प्रभुपाद के बारे में थोड़ा से, इसके बाद भागवत का श्लोक का ऊपर जाएंगे। प्रभुपाद और जब गए थे, कोई ट्रेन में नहीं बैठे, फ्लाइट में नहीं गए, जलदूत में गए। सभी को मालूम है प्रभुपाद जीवनी सभी भक्त लोग को पढ़ना चाहिए, जो कि सारा चीज़ प्रभुपाद का लीला को पढ़ने से हमारा भक्ति को आगे बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त का चरित्र को हमें सुनना चाहिए। जिस प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिस प्रकार सौरभ गोस्वामी होते हैं, और उनका भी लीला चरित्र सुनना चाहिए कि श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, कहते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एक्षय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। मेरा भक्ति में कोई विघ्न होता है तब उन्हें 6 आदमी को, 6 गोस्वामी को चिंतन करना चाहिए। सुबह माला लेते ही चिंतन कर लाना चाहिए, हमारा सारा अभीष्ट को खंडन होता है। इसलिए कोई ना कोई गोस्वामी लोग के बारे में सुनना चाहिए, नहीं तो हमारा पूर्व आचार्य के बारे में सुनना चाहिए। और चलो प्रभुपाद 1965 13 अगस्त यात्रा शुरू किया अमेरिका जाने के लिए, और वो पहुँचे है 1 अक्टूबर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है 2 महीना का सफ़र, 2 महीना एवरेज हमें हिसाब देखते तो 1.5 महीना का ऊपर हो रहा है, लेकिन 2 महीना का एवरेज देखा जाए तो 2 महीना लग गया यात्रा करते हुए अमेरिका में पहुँचे। और अमेरिका में पहुँच के देखे साथ में कोई नहीं, लेकिन साथ में एक ही व्यक्ति है उनका साथ। कौन है? कौन? भगवान कृष्णा, और कोई नहीं साथ में।
और शिल प्रभुपाद का हाथ में जो कैरी किए थे बैग जो था उसमें क्या था, श्रीमद् भागवतम। और भागवतम यहीं पे आज अभी श्लोक आएगा, इस श्लोक में इसीलिए मैं प्रभुपाद का बारे में बताना के लिए। हाँ, तब भगवान भक्त का साथ है, हमेशा रहते हैं, लेकिन छिप करके छाया का रूप में। तो अब सामने में कब प्रकट होते हैं, जब संपूर्ण निष्ठा पूर्वक भगवान भक्ति करना चालू करते हैं और सारा चीज को त्याग करता है, संपूर्ण वैराग्य जब प्रकट हो जाता है, किसी का प्रति आसक्त क्षीण पुण्य क्षीण भी थोड़ा बहुत भी किसी का प्रति आसक्ति नहीं होता है, संपूर्ण सरेंडर हो जाता है, प्रभु आप मेरा हो मैं आपका हूं, जब ये बात बोल देता है तो भगवान सामने तब आते हैं, संपूर्ण शरणागति जब हो जाता है, नहीं थोड़ा कुछ आसक्ति रहता है तब तक भगवान आते नहीं, भगवान देखते रहते हैं यह क्या करना चाहते हैं। लेकिन जलदूत का अंदर तो भगवान सामने में प्रकट हो गए थे जब हार्ट अटैक आया था, फिर भगवान जब जलदूत का जो कैप्टन है, जब जलदूत चल रहा था तब साइक्लोन जो हुआ, सुपर साइक्लोन, ऐसा कभी भी वो जलदूत का कैप्टन ऐसा साइक्लोन देखा नहीं था, तब सभी लोग घबरा गए थे, सभी लोग डर गए थे। लेकिन प्रभुपाद उसी टाइम पे क्या कर रहे थे, जलदूत का अंदर जो कमरा है उसी कमरा में बैठ के प्रभुपाद भागवत पढ़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्त के पास से भगवान प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद को जब जलदूत का वारकर लोग आकर पूछे, प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं और ऐसा ऐसा हो गया, प्रभुपाद कहते हैं डरो मत, भगवान साथ में है, भगवान हमेशा भक्त का पीछे छाया का रूप में, सुदर्शन चक्र का रूप में और छाया का रूप में रहते हैं। तब तो जाके भगवान को आप दर्शन कर सकते हैं जब आपका संपूर्ण शुद्धता आएगा। और प्रभुपाद जी आज जाके हमारे में पहुँचे और प्रचार करना शुरू किया, जब सामने में देखे ये देश क्या है, वहाँ पे शिल प्रभुपाद संग देने के लिए गए थे, संग लेने के लिए नहीं, संग देने के लिए गए थे, जिसका संग से व्यक्ति का हृदय का जो अभद्रणी भोग वासना टूट पड़ा सब कुछ। और विदेशी लोग जो होते हैं वो लोग प्रभुपाद का संग करके सब कुछ त्याग करके प्रभुपाद का सेवा में जड़ गए और भगवान का सेवा में लग गए। शिल प्रभुपाद की। तब आज का जो श्लोक है, ये श्लोक में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जत संग लब्धम, पहला शब्द क्या आ रहा है, जत संग लब्धम, संग का ऊपर विचार कीजिएगा। पहले थोड़ा सा कृपा करके मोबाइल थोड़ा सा ऑफ कीजिएगा, नहीं तो साइलेंट में रखिए। मैं अलग अलग जगह पे जब प्रवचन के लिए जाता हूँ बाई चांस मोबाइल लिवा जाता हूँ, 1100 रुपया लेता हूँ और 1100 रुपया लेके मेरा जेब में नहीं डालता हूँ, उसे वहाँ पे जो मंदिर है वो मंदिर के लिए रसीद काट देता है डोनेशन। और व्यक्ति को कोई भी प्रवचन में आप जाइए, हमें माया से थोड़ी से दूर नहीं रहते हैं, एक ही प्रकार की माया है। मोबाइल क्या है, एक ही प्रकार की माया है, और सारा संसार को कर दिया माया, सारा संसार उसके पीछे। आप देखिए एक ही घर में 20-20 मोबाइल निकल रहा है। भक्ति में आप जब आते हैं प्रवचन सुनने के लिए आते हैं कि भगवान का नाम लेने में करते हैं, उसी टाइम में थोड़ी सी मोबाइल से दूर रहिए, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे पढ़ता है संग, जत संग लब्धम, और संग का ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, किसी प्रकार संग करना है और कौन किसका संग करना है और कैसा संग करना है। प्रभुपाद इसका ऊपर बोलते थे, हमें संसार में किसी को भी साधु मान लेते हैं, किसी को भी देखते हैं हमें बोलते थे साधु। प्रभुपाद नारद भक्ति सूत्र में जो किताब है उसमें भावार्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई ड्रेस पहनकर साधु नहीं मानता है, कोई दाढ़ी मूछ रख के साधु नहीं मानता है,
बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बड़े बड़े व्यासन में बैठ के साधु नहीं बनता है, बड़े बड़े बोलने वाले साधु नहीं बन जाते हैं। साधु वही है आचरण करके दिखाता है। और श्रील प्रभुपाद अपना जीवन में उतारा, आचरण दिखाया, इनका आचरण वजह से। श्रील प्रभुपाद का पहले से कितने लोग अमेरिका गए थे, लेकिन प्रभुपाद का आचरण को सीखा, सारा जगत को शिक्षा दिया श्रील प्रभुपाद का आचरण। इसलिए कहते हैं वही साधु है, वही गुरु है, वही मंत है और वही भक्त है जो आचरण करके शिक्षा देता है। इसीलिए कहते हैं भगवद्गीता में, जजत आचरित श्रेष्ठ से तत्व तैवत्र जना सजत प्रमाण कृते लोकस तदनु वर्तते। लोक तब परिवर्तन होते हैं आपका आचरण का ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा आचरण करते हैं, ये संपूर्ण आचरण। नहीं तो आज का दुनिया में आप देखिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा के प्रवचन देते जा रहा है, भागवत सप्ताह चल रहा है, क्या नहीं क्या चल रहा है, और इसी प्रकार के गुरु बन चुके हैं। क्या कहते हैं, बोलते हैं सीक्रेट मेरे को मिलना, और सीक्रेट रूम में हर चैतन्य महाप्रभु कभी भी लेडीज को दूर से प्रणाम करते हैं। लेडीज हमेशा चैतन्य महाप्रभु दूर से, कभी स्पर्श करने सामना सामने भी नहीं। और आज का दुनिया में जितने सब बने हैं गुरु के साधु महंत, क्या बोलते हैं, बोले सीक्रेट रूम में आना, पर्सनल बात करना, और सीक्रेट रूम में सीक्रेट बात होगा। इसी प्रकार के गुरु नहीं चुनना होता है। जिस प्रकार कहते फिर इस प्रकार गुरु होते थे, रहते हैं अभी भी है, बोलते हैं मैं सीक्रेट मंत्र दे रहा हूँ, आप कभी किसको नहीं बताना। और चैतन्य महाप्रभु तो खोलम खुला किया, यह हमारा सीक्रेट नहीं, हरि नाम सभी के दो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको आप देखते हो कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण का नाम दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब संघ का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जिस प्रकार आप संघ करेंगे, आप दुसंग करते हैं कि नहीं, कुसंग करते हैं कि सुसंग करते हैं, संघ का ऊपर संपूर्ण प्रभाव। जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, एक ही पानी का बोतल होता है, पानी का बोतल में कोई भी कलर आप डालो, जो कलर डालो के पानी वो कलर को स्पर्श करने मात्र से वो कौन सा जो कलर होगा उसी कलर का पानी बन जाएगा। लाल डालोगे तो लाल हो जाएगा, पीला डालोगे तो पीला हो जाएगा, है कि नहीं, हरा डालोगे तो हरा हो जाएगा। उसी प्रकार संग आप जिस प्रकार जो संग करोगे। और एग्जाम्पल देते हैं, एक ही डॉक्टर का आप संग कीजिएगा, डॉक्टर डॉक्टर का ही बात करेगा। एक ही बिजनेसमैन के साथ बात कीजिएगा, वो सिर्फ बिजनेस ही बात होगा, सही। एक ही चोर का साथ मिलिए, सिर्फ चोर के बारे में बात होगा। लेकिन एक भक्त का साथ मिलिए, भक्त क्या करेगा, भक्ति के बारे में। आप देखिए कोई भी भक्त किसी ट्रेन में सफर करता है, कभी फ्लाइट में सफर करता है, उसका बगल में जो भी बैठता है पूछताछ जब होता है ना तो बातचीत हो जाता है कभी ना कभी। इस प्रकार हमें, मेरा तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं इस प्रकार जब भी मिलता हूँ ट्रेन का अंदर और फ्लाइट में, कोई ना कोई मेरा एड्रेस लेकर फिर आता है वृंदावन मिलने के लिए, और जरूर वो माला करना चालू कर देता है, संग हो जाता है। वो आपका ऊपर पड़ता है आचरण, क्योंकि हम लोग ट्रेन में खाते नहीं, फ्लाइट के अंदर भी खाते नहीं। कुछ भक्त इस प्रकार कर रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं, अपराध मानना चाहिए, मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। कुछ भक्त लोग ऐसा करते हैं, ट्रेन के अंदर मंगा कर खाते हैं, बोले जैन फूड्स, ये नहीं करना चाहिए कि फ्लाइट के अंदर जैन फूड्स नहीं, वही हाथ में देता है, ये सावधान हो जाना चाहिए। आप अपना बना कर, भक्त बनने के बाद आप अपना बना के लेकर जाइए साथ में, ट्रेन में हो फ्लाइट में हो। बाई चांस आप नहीं बना पाए, कोई परेशानी हो गया, तब अपना फल फ्रूट्स बाय करो, बाय इमिडिएटली मन से भगवान को ऑफर करके। ये असर पड़ता है उन लोग का ऊपर, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जज्जत आचरित श्रेष्ठ से कहते हैं आचरण का ऊपर डिपेंड करता है, आपका आचरण कैसा है। इसलिए यहाँ पे कहा गया, जत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थ मुहु संस्पृशतम ही मानसम। और मन का ऊपर प्रभाव डालता है, ये संग मन का ऊपर प्रभाव डालता है।
कैसा आपको दिखाई दे नहीं दे रहा है मन कहाँ पे है, लेकिन मन का ऊपर असर डाल देता है। जिसी प्रकार आत्मा को संपूर्ण आच्छादन कर चुका है, आच्छादन मतलब इसका चार तरफ कलमशता लेयर बन चुका है। लेयर, लेयर समझते हैं? लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परत, ठीक है, लेयर बन चुका है, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर पा रहे, लेकिन चार तरफ आच्छादन कर चुका है कलमशता। कौन सा जन्म का, कितने जन्म का सारा पाप कर्म का फल वो पूरा आच्छादन कर चुका है। कुछ भक्त लोग मेरा प्रश्न पूछते हैं, प्रभु हम लोग को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, और जब भी माला लेते हैं, जब भी भगवान का पूजा विधि करते हैं, उसी टाइम पे विषय भोग वासना जो किया है वही चीज़ और कुछ ना कुछ चीज़ याद आता रहता है, उसी टाइम पे ही याद आता है। इनका आंसर में मैंने उनको समझाया, जब 50 साल हो गया कमरा बंद होता है, कभी भी आप झाड़ू नहीं लगाया, 50 साल दरवाज़ा सारा बंद है, तब आप एक दिन जाके दरवाज़ा को खोला और झाड़ू लगाना चालू किया, तब क्या होता है, सारा डस्ट क्या होता है ऊपर उड़ के आता है। उसी प्रकार करोड़ों करोड़ों जन्म का जो कर्म फल है ना वो सब पड़ा है, और जब भी भगवान का नाम चालू करता है इमीडिएटली वो क्या होता है सारा ऊपर उड़ के आता है, इसलिए आपका सामने वो दिखाई देता है। ये भगवान का नाम का ये प्रभाव है, ये ऑटोमेटिक साफ करते जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद ने भावार्थ में कहते हैं ना, ये कि क्या कहते हैं, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवाएं मतलब क्या है, भागवत श्रवण करना, भागवत सेवाएं मतलब क्या है, खाना है, प्रसाद सेवा जैसा करते हैं प्रसाद सेवा, हाँ ऐसा ही भागवत सेवा क्या, ऐसा नहीं ना, सेवाएं मतलब क्या है, श्रवण करना, भागवत को श्रवण करना, इसी प्रकार नाम को श्रवण करना, भागवत में बारंबार भगवान का नाम आएगा, जिसी प्रकार हरि नाम लेते हैं नाम श्रवण करके नाम लेना चाहिए, जिसी प्रकार कर्ण रंध्र में प्रभाव भगवान का नाम प्रवेश करने मात्र से क्या होता है अभद्रेशु, अभद्रेशु का अर्थ क्या होता है भोग वासना यो खंडित हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु। जब नित्यम भागवत श्रवण करते हैं, प्रत्येक दिन भागवत श्रवण करने से, भगवान का नाम जप करके श्रवण करने मात्र से, भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक, और निष्ठापूर्वक वो भक्ति में लग जाता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार किसी कपड़ा में कोई भी गंदगी लगा हुआ है उसको छुटाने के लिए साबुन को आप घिसते रहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर लगा के घिसते रहते हैं, उसी प्रकार ये मनोरूपी इंद्रिय का ऊपर क्या बैठा है, कलमशता पड़ा है, इसको सफाई करने के लिए हरि नाम रूपी साबुन में घिसाई करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो साधु संघ का प्रभाव है, और कौन सा साधु से सुनना चाहिए, किस प्रकार साधु से सुनना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगह पे कोटेशन दिया गया, लेकिन समय इतना नहीं मिलेगा जो कोटेशन आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। श्रीमद् भागवत 10 स्कंद अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 41 में लिखा गया, क्या लिखा गया, साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत कृतात्मनाम दशनान ओ भवे द्वांध पुंस भक्यो स बिजुजर्था। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंख में अंधेरा नहीं रह जाता है, सूर्य के सामने रहने से अंधेरा रहेगा, उसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होते हैं तो उसका भव बंधन छूट जाता है। साधु का सामने आने के मात्र से, गुरु का सामने आने मात्र से वो क्या करते हैं, जिसी प्रकार सूर्य का सामने आने से अंधेरा हट जाता है, साधु का सामने आने से आपका भव बंधन छूट जाता है।
और साधु वही होते हैं जो भव बंधन से छुटाते हैं। और आजकल का साधु है तो हमको भव बंधन में डाल रहा है, भव बंधन में डाल रहा है आजकल का साधु है। और साधु इसी प्रकार बन चुके हैं, पैसा लेने वाले साधु, पैसा लेने वाले साधु। ये साधु का पास कभी नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जब विदेश गए थे कभी पैसा के लिए नहीं गए थे। प्रभुपाद जी हमारा गुरु महाराज को मिले, महाराज साइंटिस्ट थे, हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। जब महाराज के साथ मिले, महाराज के साथ बहुत सारे युक्ति तर्क हुआ और वो प्रभुपाद कहे आप इतने बड़ा साइंटिस्ट है यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके नौकरी करोगे, पैसा कमाओगे, पैसा लेकर घर पे आप घर परिवार मेंटेन करोगे। लेकिन मैं भारत से आया, आप भी भारत से आए, मैं भी भारत से आया, लेकिन आप आया यहाँ से लेने के लिए, लेकिन मैं आया यहाँ देने के लिए। फिर प्रभुपाद के साथ युक्ति तर्क हुआ कि वो साइंटिस्ट है ना, इतना आसान नहीं साइंटिस्ट को भक्ति लाइन में लाना, बहुत युक्ति हुआ। फिर प्रभुपाद वो कॉन्वर्सेशन था जो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये किताब वहीं से जो चर्चा है महाराज का साथ है, टी डी सिंह का साथ चला प्रभुपाद। महाराज का नाम पहला नाम था टी डी सिंह, सिंह टाइटल था। तब प्रभुपाद का संग से उनका बदला हुआ, बोले देने के लिए आया हूँ। तब क्या है ये हरि नाम और भागवत पढ़ाए सब बताए, तब श्रीला प्रभुपाद का शरण में महाराज आ गए। और प्रभुपाद का आदेश था सारा विश्व में, क्योंकि प्रभुपाद थोड़ा साइंटिस्ट को युक्ति करना बड़ा परेशानी में होते थे, इसलिए ऐसा शिष्य इसलिए बनाया। प्रभुपाद कहते थे आप जितने साइंटिस्ट होते हैं सभी को आप प्रीच करना है और सभी को भक्ति लाइन में जोड़ के वृंदावन लेकर आना। ये जो गुरुकुल है ये गुरुकुल साइंटिस्ट लोग के लिए बना गया था। सभी साइंटिस्ट लोग जब वृंदावन आएंगे ऑटोमेटिक भक्त बन के भक्ति करके यहीं रहेंगे। बाद में चला प्रभुपाद जाने के बाद ये गुरुकुल बना हुआ, इसको गुरुकुल बना दिया। लेकिन सब साइंटिस्ट लोग के लिए रिसर्च करके किस प्रकार उनको बताने के लिए। तब जब हमें संघ का प्रभाव पड़ता है इसलिए हम कहते हैं साधु संघ, साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र का है। लभे मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है, लभे मात्र थोड़ी से साधु संघ करने मात्र सर्वसिद्धि होता है। भागवत में कितने बुरी बुरी प्रमाण देखिए, आप लोग को जो पहले सुन चुके हैं भरत महाराज का चरित्र, भरत महाराज इतने महान साधु है, उनका रहुगण को किसी प्रकार भक्त बने, थोड़ी समय साधु का सेवा में मिले, बस लभे मात्र साधु संघ। और काले आप लोग सुने हैं मुरगारी नारद जी का संघ से कैसा प्रभाव पड़ा, और देखिए हरिदास ठाकुर का संघ में किस प्रकार भक्ति लाइन में आया, किस प्रकार सब कुछ छोड़ के आया था। हाँ हरिदास को पटाने के लिए, लेकिन खुद पट गया, खुद पट गया, भगवान का भक्ति करना चालू कर दिया। संघ का प्रभाव और ये नाम का जो उच्चारण है, ये शुद्ध नाम उच्चारण, हरिदास का जो नाम उच्चारण था ना, वो उच्चारण वो व्यक्ति के अंदर भक्ति को क्रिएट किया, भक्ति का बीज को डाल दिया। सतसंग छाड़ी कहीनु असते विलास, ते कारणे लागिला जे कर्म बंद फास। जो व्यक्ति सत्संग छोड़ कर चला जाता है और वो असत में विलास करता है, विलास व्यंजन में जीवन बिताता है, क्या क्या होगा, उसका कर्म बंधन फास लग जाता है। ते कारणे लागिला जे कर्म बंध फास, कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन वो मुक्ति होना चाहता है तब सत्संग में उसका मुक्ति मिलेगा और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं सत्संग में आने के लिए पहले उत्साह होना चाहिए। क्या कहते हैं, सत व्याहाय भक्तव्य सहस्र स्थान आचरते, लक्ष्य व्याहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजत। आपका पास है सहाय 100 काम है, 100 काम छोड़ के पहले भोजन कीजिएगा। 1000 काम है, 1000 काम छोड़ के पहले स्नान कीजिएगा। आपका पास है लक्ष्य काम है, 100,000 काम को छोड़ के पहले दान कीजिएगा। आपका पास है करोड़ों काम है, करोड़ों काम को छोड़ के हरि नाम जपिए। सारा काम छोड़ के सत्संग में बैठ जाओ, भगवान का नाम सुनो, भगवान का बारे में श्रवण करना और भगवान का नाम कीर्तन करो, करोड़ों काम को पीछे हटा दो। ये जो संसार बंधन में आने के लिए ये सब करोड़ों काम हमारा पास पड़ा है,
हम बोलते हैं सुबह उठने मात्र से हमारा काम चालू हो जाता है। हमारा रूम में एक प्रभु जी बता रहे थे, बोले कभी कभी पूछा जाता है आप कितना घंटा सेवा कर रहे हैं, कभी कभी मैनेजर लोग पूछते रहते हैं मंदिर पे कितना घंटा सेवा कर रहे हैं, तो सभी भक्त लोग बोलते हैं, कोई बोलता है 2 घंटा, कोई बोलता है 4 घंटा, कोई बोलता है 8 घंटा सेवा कर रहा है। हमारा वो प्रभु जी बता रहे थे, बोले 24 ही घंटा है ना, मैं 25 ही घंटा सेवा करता हूँ। अरे 1 घंटा कहाँ से लाए ना, 24 ही घंटा तो हम एंगेज है मंदिर पे रह रहे, मतलब एंगेज है, कोई माला जप रहा है, कोई मंदिर में सेवा कर रहा है, कोई भगवान का चिंतन कर रहा है, लेकिन हमें काल का बात क्या करना है काल उसके लिए सोचना पड़ता है ना, प्लानिंग बनाना पड़ता है ना, ये प्लानिंग भी 1 घंटा लग जाता है, इसलिए 25 ही घंटा हो जाता है हमारा सेवा, प्रभु जी ने ऐसा बताया रहता है। लेकिन तब कहने का है, जब हम ये सारा काम को छोड़ के, करोड़ों काम छोड़ के हरे नाम, भगवान का नाम चिंतन करना है, भगवान का नाम जपना है, और भगवान का नाम मतलब है ये भागवत श्रवण करना है, जितने समय आपके पास मिलता है भागवत श्रवण में लगाना है। तब फिर श्रीमद् भागवत में और आता है, ना हमें यानी तीर्थानी नौ देवा मृचिल आ गया ते पुण्यंतुरु कालेन दर्शना देव साधव, केवल जलमय स्थान ही असली पवित्र तीर्थ स्थान नहीं है, ना ही मिट्टी तथा पत्थर की कोई प्रतिमाएं असली आराध्य देव है, ये किसी को दीर्घ काल के बाद ही पवित्र करा सकता है, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से पवित्र करा देते हैं। जिस प्रकार कहते हैं गीता महात्म में, मलिनम मोचनम पुंसा जलम स्थानम दिने दिने सकृत गीता मृतस्थानम संसार मलनाशनम, गीता महात्म में 3rd नंबर श्लोक है, मलिनम मोचनम पुंसा, ये शरीर को हमें स्नान करके शरीर को शुद्ध कराते हैं, शुद्ध बनने के लिए हमें जल में स्नान करते हैं, मलिनम मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने, प्रत्येक दिन हमें स्नान करते हैं सिर्फ शरीर को शुद्ध करने के लिए। गंगा रूपी भगवद गीता में हम जब स्नान करते हैं तब हमारा आत्मशुद्धि होता है। मलिन मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम, गीता रूपी अमृत में जब हम स्नान करते हैं तब क्या होता है, मलनाशन संपूर्ण मुक्ति हो जाता है। इसलिए हमें भगवद गीता रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। भगवद गीता रूपी गंगा मतलब क्या है, भगवद गीता को डेली पढ़ना चाहिए, जब पढ़ते हैं वो आत्मकल्याण होता है, वो क्या करता है संपूर्ण हमारा कलमशता को धीरे धीरे दूर करता है। तब इसीलिए कहते हैं संत स्वभाव व्यक्ति को जब हमें दर्शन करते हैं, इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हे वर करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिनो के हो ना जहर निकटे गेले पाप दूरे जा ए मन दयाल प्रभु के बा को था पा गंगार पारस होइले पाश्चात्य पाव दर्शन पवित्र करो ए तुमार गो। एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई, बंगाली भाषा में गोस्वामी बोला जाता है, हम लोग को गोस्वामी बोलते हैं, वैष्णव को गोस्वामी, जो इंद्रिय का स्वामी, संपूर्ण इंद्रियों को दमन कर चुका है और सारा इंद्रियों को भगवान का सेवा में निजुक्त किया कर चुका है, इसको गोस्वामी कहते हैं। पतित पावन तोमा बिने क्यों नहीं, और आप पतित पावन है, इसीलिए स्वामी लोग को पतित पावन कहा जाता है। जिस प्रकार जगन्नाथ मंदिर का ऊपर झंडा का नाम है पतित पावन, और जगन्नाथ को स्वयं पतित पावन कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को पतित पावन कहा जाता है, जो पतित को उद्धार करने वाले, इसीलिए पतित पावन तुम्हारा बिन कोई नहीं, ये संसार में और कोई नहीं आप जैसे पतित लोग को उद्धार करने वाले। और एमन दयाल प्रभु नहीं जहारा निकट गले पाप दूर जाए, जहाँ जिसका निकट जाने मात्र से संपूर्ण पाप दूर हो जाता है, जिसका निकट जाने मात्र से, जिस प्रकार आग का निकट में जाओगे तब आपको गर्म ऑटोमेटिक लगता है, गर्म ऑटोमेटिक लगता है, उसी प्रकार एमन दयाल प्रभु केबा कोता जाए, आप कितने दयालु है
और मैं कहाँ जाऊँ। गंगारा परस हिले पाश्चात पावन, गंगा का स्पर्श करने मात्र से शुद्धि हो जाता हूँ, लेकिन दर्शन पवित्र, और प्रत्येक दिन ही तो मैं गंगा के पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन दर्शन पवित्र करो करने से, दर्शन किसका दर्शन, साधु का दर्शन करने मात्र से। और ये साधु का हृदय भगवान गोविंद विश्राम करते हैं। भक्त प्रत्येक जीवात्मा के अंदर प्रभु विराजमान है, लेकिन भगवान विश्राम लेने के लिए एक स्थान है जो साधु का हृदय में, भगवान विश्राम करते हैं, उनको और टेंशन नहीं होता है। भगवान नहीं तो जगत में पूरा टेंशन में रहते हैं कैसा करना है, संसार को कैसा पालन पोषण करना है, क्योंकि विष्णु को भगवान पालन करने के लिए दिया ना, तब जब इसलिए परमात्मा रूप में जब प्रभु विराजमान होते हैं, तब भक्त जब भगवान का भजन करता है तब वो आराम से सो जाते हैं, लेट जाते हैं, विश्राम लेते हैं। यहाँ पे फिर कहते हैं, हरत्य जो अंत श्रुति भी गत अंगजम को बई न सवत मुकुंद विक्रमम। हरते हरण करता है, और क्या हरण करता है, आपका संपूर्ण कलमशता को। और कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि साधु का संग नहीं करेगा, भक्त का शरण पे नहीं जाएगा, भक्ति नहीं करेगा। और कहते हैं को बई न सवत मुकुंद विक्रमम, मुकुंद का शरण में नहीं जाए। और मुक्त मुकुंद किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है मुकुंद, मुक्त मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करने वाला है उसका नाम है मुकुंद। और वो मुकुंद का बारे में श्रवण करना है। एग्जाम्पल देते हैं, कभी भी कोई व्यक्ति को हमें देखा नहीं, बाई चांस उसी व्यक्ति का बारे में हमें सुन लिया, वो व्यक्ति ऐसा है, वो उसका व्यक्ति का आचरण ऐसा है, वो ऐसा ड्रेस पहनता है, बहुत अच्छा तरह से रहता है, हमारा मन में क्या आता है जब वो व्यक्ति का बारे में हमें श्रवण करते हैं, तो मन में क्या आता है, वो व्यक्ति को कैसा मिलो, सही। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण का बारे में जब श्रवण करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, प्रत्येक भक्त का मन में विचार आता है ना, कैसा भगवान को मिलो, भगवान कब मिलेंगे, उस ये होता है कि नहीं होता है, ये उत्साह सभी का अंदर है कि नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है, क्यों, जैसी प्रकार हमारा उत्साह नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों उत्साह नहीं होता है, ये बात भी है। एक बार भगवान कृष्ण नारद जी के साथ मिले थे, तब कृष्ण नारद जी के साथ मिलने के बाद भगवान को नारद जी कहने लगे, प्रभु आप ये इतने अच्छा संसार बनाया, संसार अच्छा बनाया, लेकिन सारा संसार का लोग इतना अच्छा बनाने के बाद, संसार अच्छा बनाया लेकिन संसार का लोग इतने दुख क्यों दे रहे हो। नारद जी जब भगवान से पूछे तो भगवान कहे, बोले मैं क्यों दुख दूंगा, दुख तो अपना कर्मफल से भोगते हैं, दुख भगवान नहीं देते, भगवान अपना कर्मफल से, व्यक्ति अपना कर्मफल से दुख भोगता है ना। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप ये दुख से बचाने के लिए आप सभी जगत का लोग को बुलाइए आपका धाम, आपका धाम आ जाएंगे तो सारा दुख मिट जाएगा, गोलोक वृंदावन है तो दुख है नहीं, वैकुंठ लोक में कुंठा है नहीं, तब आप अपना धाम पे बुलाइए ना। भगवान कहने लगे, मैं तो सभी को बुला रहा हूँ, मोस्ट वेलकम इस्कन, मैं सभी को बुला रहा हूँ, आइए आइए आइए, भगवान बुला रहा है, लेकिन सारा संसार का लोग कोई जाना नहीं, आना नहीं चाहते हैं, मेरे पास कोई आना नहीं चाहते हैं। हो सकता है नारद जी आप थोड़ा नीचे जाइए, वैकुंठ से नीचे जाइए मरते लोग, और वहाँ पे प्रयास कीजिए, हो सकता है कोई व्यक्ति आ जाए तो, आपका वजह से कोई व्यक्ति आ जाए तो। तब नारद जी आए, उतरे और धरती पे पहुँचे, मरते लोग में पहुँच के एक ही व्यक्ति को मिले, और वो व्यक्ति कैसा था, वृद्ध उम्र है, आँख को दिखाई नहीं दे रहा है, लाठी लेकर बैठा है, कमर टेढ़ा हो चुका है और बैठा है। तब नारद जी जाके हाथ जोड़ के बोले, बोले चलिए प्रभु ने बुलाया। वो व्यक्ति क्या बोलने लगे, क्या बताते, बताए, बोले अभी जाने का समय है क्या, अभी क्या जाने का टाइम में नहीं है, अभी बाद में जाऊंगा, अभी तो मेरा पोता पोती को देखना है, नाती नोता को देखना होता है, उनका तुतली बात सुनना होता है, अभी क्या जाना है क्या। नारद जी सोचने लगे, क्या सोचे, बोले भगवान जो बोल रहे थे वही। तब नारद जी फिर दूसरा व्यक्ति के पास गए, वो व्यक्ति इसी प्रकार बोला, तीसरा व्यक्ति के पास गए, वो भी इसी प्रकार बोला, फिर नारद जी सोचने लगे, भगवान जो बोल रहे थे वही
सत्य है, और भगवान के पास जाकर बोले बोले ठीक आप जो बता रहे थे वही सत्य है। इसलिए संसार का लोग कोई भी भगवान के पास जाना नहीं चाहता है, क्योंकि विषय भोग में पूरा फंसे हुए है। कोई साधु का संग करना नहीं चाहता है, कोई भागवत श्रवण करना नहीं चाहता है। इस श्रवण माध्यम से कर्णरंध्र में भगवान का नाम दिव्य वाणी श्रवण मात्र से, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवत दो प्रकार की, एक ही ग्रंथ भागवत, एक ही भक्त भागवत, दो प्रकार की भागवत। और जो भक्त भागवत होते हैं, भक्त भागवत ग्रंथ भागवत का माध्यम से और उसी को जीवन में आचरण करके शिक्षा देता है और वही जीवन में उतारता है, ये होते भक्त भागवत। इसलिए हमको भक्त भागवत का मुख से ग्रंथ भागवत को श्रवण करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। और उसी प्रकार ग्रंथ भागवत को चुनना भी, अभी तो कथाकार हाँ ताली बजा के और क्या कर रहा है, और ढोलकी पिटके बस कथा चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है, मनोमंजन नहीं चल रहा है। मनोरंजन भागवत में नहीं, मनोरंजन करने के लिए भागवत में जाना है, मन को मंजन करना है, मन को किसी प्रकार भगवान का सेवा में लगाना है, बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। श्रवण करके एक ही शब्द भी अपना जीवन में उतार दिया, भागवत 7 दिन होता है, 7 दिन सुनते सुनते एक ही शब्द भी अपना जीवन में उतार दिया, तब आपका जीवन कल्याण, आप शुद्ध चित्त से भगवान का भजन करके प्रभु का धाम को लौट जाओगे। लोग तो कितने कितने बार साल भर की कथा हो रहा है, पहले समय में इतने कथा होता था क्या आप बताइए? 10 साल 20 साल का पहले किसी भी जगह पे कथा होता था? अभी तो हर जगह पे घर का सामने कथा चल रहा है, किस प्रकार की कथा हो रहा है आप लोगों को मालूम है। इसलिए मैं ये सारा कुछ बनाना नहीं करना चाहता हूँ। तब यहाँ पे कहते हैं, और साधु को कहते हैं, तादेर चरण से भी भक्त संगे बास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, ऐसा व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए और इसी व्यक्ति का चरण सेवा करना चाहिए, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, यही अभिलाष रखना चाहिए, ऐसा व्यक्ति मेरा जीवन में कैसे मिल जाए। इसलिए गौरव गोविंद स्वामी महाराज अपना गुरु को ढूंढने के लिए कितना भी ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए उड़ीसा छोड़ के आगे, पहले तो वो डिवाइन लाइन सोसाइटी में थे, उनका सारा किताब पढ़े थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति को चुनने के लिए, ये व्यक्ति को मिलने के लिए हरिद्वार में जाके डिवाइन लाइन सोसाइटी का किताब पढ़े, तब तो वहाँ पे कोई व्यक्ति, तब फिर वहाँ पे देखे तो वहाँ पे सब क्या होता है, लाइन में लग जाते हैं खाने पीने के लिए, लाइन में लगे हैं, प्लेट लेकर लाइन में लगे। गौरगुंज स्वामी महाराज सोचने लगे, क्या यही खाने पीने के लिए हम लोग मैं इधर आया हूँ क्या, मैं भगवान को पाने के लिए आया हूँ। वहाँ से छोड़ के वृंदावन आए, और वृंदावन में एक व्यक्ति उनका साथ मिले, वो व्यक्ति क्या किया, प्रचार कर था वो, उन्होंने एक ही किताब दिया बैक टू गॉड हेड, और जो बैक टू गॉड हेड पढ़ के उन्होंने देखे, गौरगुंद स्वामी महाराज ने वो किताब देखे, किताब में देखे जिसी किताब में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का बारे में सारा वर्णन है, तो गौरगुंद स्वामी महाराज है वो व्यक्ति जो ये किताब लिखा है वही मेरा गुरु हो सकता है। फिर प्रभुपाद का साथ आए, बहुत इसका ये है, इसका 1 घंटा का वर्णन हो सकता है और टाइम हो चुका है। और उनका साथ मिलने का बाद कमरा में मिले, प्रभुपाद का रूम है वहाँ पे मिले, और प्रभुपाद पूछे आप कितना भाषा जानते हैं, बोले 5 भाषा जानता हूँ। 5 भाषा का ट्रांसलेशन प्रभुपाद का साथ वार्तालाप हुआ ट्रांसलेशन करने के लिए, बोले बंगाली में लिखो, बोले इंग्लिश में बताइए, हिंदी में बताइए, उड़िया में और संस्कृत, 5 भाषा को उन्होंने करके दिखा दिया। और उसी टाइम में तमाल कृष्ण महाराज अंदर में घुस गए, प्रभुपाद का पहले असिस्टेंट थे ना तमाल कृष्ण महाराज, तब तो अंदर घुस गए, तब तो गौरगुंद स्वामी महाराज को हाथ को पकड़ के बाहर निकलने के लिए थे, इमीडिएटली प्रभुपाद ने हाथ को पकड़ लिया गौरगुंद स्वामी महाराज को, बोले ऐसा नहीं करना, देखिए गुरु पहचानता है शिष्य को और शिष्य पहचानता है गुरु को। प्रभुपाद इमीडिएटली हाथ को खींच के बोले रुकिए ऐसा नहीं करना, तमाल कृष्ण महाराज को बताया। तो इसी प्रकार होता है, गुरु को ऐसा आँख से नहीं देखा जाता है, किससे देखा जाता है, कान से, ये ध्यान देना है, श्रवण मात्र से। इसलिए ये जन्म जन्म में अभ्यास होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का, क्या करने के लिए, हाँ भक्त मतलब गुरु को ढूंढने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं मेरा गुरु दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, इसलिए तो हमारा डिसाइपल कोर्स चल रहा है। पहले गुरु सही से समझो, पहले
गुरु दो अक्षर है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब जो नाश करता है, जो अज्ञान अंधकार नष्ट करता है वो गुरु है। इसी प्रकार गुरु मिलना इतना आसानी नहीं है, इसलिए कहते हैं कृष्ण बिना गुरु नहीं मिले, गुरु बिना कृष्ण नहीं मिले। गुरु को चुनना है और कृष्ण का पास प्रार्थना कीजिए। जब एक ही बच्चा माँ को बुलाता है ना, तब क्या करता है, माँ इमीडिएटली दौड़ के आता है। उसी प्रकार जब आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण इमीडिएटली नहीं आते तो अपना प्रतिनिधित्व को भेजते हैं, प्रतिनिधित्व डायरेक्ट नहीं आते तो प्रतिनिधित्व को भेजते हैं। तो प्रतिनिधित्व का माध्यम से हमारा कृष्ण के साथ संपर्क बन जाता है। तब इसलिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ को वर्णन करने के लिए था, समय हो चुका है, बताते टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 5 मिनट लेट हो चुका है, क्षमा करना। क्योंकि प्रसाद होने का पहले हम जाना चाहते हैं, क्योंकि कथा का जो आस्वादन, कथा का जो रस, इसी चीज़ को हमें ग्रहण करने का पहले हमें क्या आस्वादन, प्रसाद। इसलिए मैं चाहता हूँ तो 7:30 बजे पहले प्रसाद खिला दें। हम बताते हैं मैनेजमेंट के साथ 7:30 बजे से 8 बजे के अंदर प्रसाद हो जाए, 8 बजे से कथा चले, ठीक है गौरव भगवान प्रभु। पहले से है प्रसाद हो जाएगा ना, पहले से लोग खा के इमीडिएटली अपना अपना घर हरि वो। लेकिन ये सिस्टम नहीं है, प्रभुपाद ने बनाया है। 9 बजे तक अपना साधना रखिए, 9 बजे तक कंस्टेंट 9 बजे तक साधना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सोना भी एक ही प्रकार ये साधना है, वृंदावन में जब सोते हो, अपना घर पे नहीं, दिल्ली में नहीं, द्वारिका दिल्ली में नहीं, वृंदावन में जो सोते हो एक ही प्रकार की साधना है। लेट रहिए, दंडवत परिक्रमा हो रहा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।